नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह जो वीडियो है ऑन डिमांड वीडियो होने वाला है, यानी कि यह वीडियो है कुछ स्टूडेंट के डिमांड्स के ऊपर लाया गया। कई सारे स्टूडेंट हमारे कमेंट में लिख रहे थे कि सर आप हिंदी में जिन्होंने सब्जेक्ट ले रखा है उनके लिए तो वीडियो लेके आते हैं, लेकिन जिन्होंने इंग्लिश में सब्जेक्ट ले रखा है उनके लिए वीडियो नहीं लेके आते। तो हमने उनके रिक्वेस्ट को माना है और ये जो वीडियो है उनके लिए लेके आया हूँ। लेकिन अगर आपने हिंदी में भी सब्जेक्ट ले रखा है तो आप घबराइएगा नहीं, ये वीडियो जो है आप दोनों के लिए होने वाला है, यानी कि ये वीडियो जो है बायलिंगुअल होने वाला है, यानी कि दोनों भाषाओं में होने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट ले हिंदी में ले रखा है अपना फिजिक्स सब्जेक्ट, उन वो थोड़ा सा इंतजार कर ले, मैं पहले जिन्होंने इंग्लिश में ले रखा है उनको दिखा देता हूँ। देखिए ये मॉडल पेपर जो है फिजिक्स का है और ये पूरी तरह से सॉल्व है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चंस को। जैसे आप ये प्रश्न देख पा रहेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड राइट द इट्स यूनिट इट्स एसआई यूनिट। तो आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा, आंसर सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज ए डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, इट इज ए डिनोटेड बाय लैम्डा, इट कैन बी एक्सप्रेस एज, और एक एग्जांपल दे रखा है अल्फा इक्वल टू क्यू ऑब्लिक ए। तो इस तरह के आपके जो जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, दो नंबर्स के और पांच नंबर के जो प्रश्न आने वाले हैं वो सारे दिए हुए हैं। तो आप इसे पढ़ ले, या फिर चाहे तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, ये आप लिंक देख पा रहे होंगे, आप इस लिंक पे क्लिक करके, सॉरी ये लिंक नहीं है, इसका डाउनलोड करने का लिंक जो है वो नीचे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लिए। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, इसका जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हिंदी वालों के लिए भी मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए भी काफी कुछ होगा, तो आपको भी बता देता हूँ। देखिए ये आपका मॉडल पेपर है जो कि फुल्ली तरफ से सॉल्व है, और इसके जो उत्तर है ये आखिरी पेज के आखिरी में दिया गया है। जैसे आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, एक विद्युत दूर के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत पर विद्युत के क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धक रेखा पर r की दूरी तीव्रता E2 है, तो E1 एवं E2 के बीच का कोण क्या होगा ये बताना है आपको। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका जो जवाब है वो आपको पेज के आखिरी में मिल जाएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए ऊपर जो भी प्रश्न थे उसके उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर यहाँ पे जब आइएगा डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा जो आगे आपके लिए वो है बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर, जो कि इस साल का मॉडल पेपर है, जो कि बिहार बोर्ड ने 1-1.5 महीने पहले ही जारी कर दिया था। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आपने पहले नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। आपका ये मॉडल पेपर है, यहाँ पे गाइडलाइंस दिए गए हैं कि आपको किस किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो प्रश्नों का उत्तर है अपनी भाषा में देना है, और आपके जो प्रश्न है उसके कौन से प्रश्न के लिए कितने मार्क्स होंगे ये यहाँ पे दाहिने तरफ लिखा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये भी दिया गया है कि आपको आपके ओमर सीट वगैरह फिल करने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा, यानी कि आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के 3 घंटे होते हैं उसके अलावा 15 मिनट और अधिक मिलेगा। आपके जो प्रश्न होंगे वो 2 सेक्शंस में होंगे,
खंड अ और खंड ब यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो आगे और क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको बताया गया कि आपके जो 35 प्रश्न हैं वो एक एक नंबर्स के होंगे, जिसे कि आपको काले और नीले बॉल पेन से करना है, यानी कि ब्लू और ब्लैक पेन से करना है। अगर कोई चीज गलत हो जाती है ओमार शीट में तो आपको उसे नाखून से या ब्लेड से या फ्लूड वगैरह से मिटाना नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो चेक नहीं होगा, ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा 18 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो दो दो नंबर्स के होंगे, लेकिन आपको 18 प्रश्न नहीं करने हैं, उनमें से सिर्फ आपको 10 प्रश्न करने हैं। ध्यान देखिएगा, आपको 18 प्रश्न दो दो नंबर के होंगे, लेकिन 18 प्रश्न नहीं करने हैं, सिर्फ 10 प्रश्न करने हैं। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं आपको यहाँ पे इसी तरह से 6 दीर्घ उत्तीय प्रश्न यानी कि 6 बड़े प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से कि केवल आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और 1 प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। तो आप इंस्ट्रक्शन देख लिए हैं, आप क्वेश्चंस भी देख लीजिए, क्वेश्चन का मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, और नीचे की सब्जेक्टिव प्रश्नों का भी डिटेल दिया गया, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। इंटरनेट जरा स्लो है, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, प्रीव्यू होने में लेट हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का बटन दबाएं। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट करके आप जानकारी दें। यहाँ पे जब आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो ये इस वेबसाइट पे आएगा, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस यहाँ पे आप डाउनलोड करके इसे क्लिक भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से सब्जेक्टिव प्रश्न, ऑब्जेक्टिव के बाद इस तरह से सब्जेक्टिव प्रश्न में आएंगे, 35 आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाने के बाद। देखिए आप देख पा रहे हैं ये आपका शॉर्ट टर्म प्रश्न है, यानी कि एक एक मार्क्स वाले प्रश्न है, जो कि इस तरह से आएंगे। ये देखिए यहाँ पे मेंशन लिखा हुआ है, आपको 10 प्रश्नों के मिलेंगे 20 नंबर, यानी कि 1 प्रश्नों के लिए 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपसे कुल 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जवाब आपको सिर्फ 2 प्रश्नों का देना है। देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 प्रश्न में आपको सिर्फ 10 प्रश्नों के जवाब देने हैं। जो जो आसान प्रश्न है उन उनका जवाब देना है, और आप कोशिश कीजिए कि जो प्रश्न के उत्तर है वो सीरियल वाइज दिया जाए, लेकिन आपको जो प्रश्न पहले ज्यादा बढ़िया से आता है उसे लिखें। उसके अलावा आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी देख पा रहे होंगे, टोटल प्रश्न आपको करने हैं 3, 1 प्रश्न के लिए 5 नंबर मिलेंगे, यानी कि आपके टोटल नंबर हो जाएंगे 15। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे, टोटल 6 प्रश्न दिए जाएंगे। देखिए 6 प्रश्न दिए होंगे, लेकिन आपको सिर्फ करने हैं 6 में से सिर्फ 3 प्रश्नों को करना है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर हमारे वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे और भी मॉडल पेपर होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ये सब भी आप पढ़ लें। ये सारे के सारे मॉडल पेपर जो है फुल्ली सॉल्व है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार।